अस्सलामुअलैकुम, हाय हेलो प्रीवियत, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू इक्वो मेडिकोस अनदर व्लॉग। माय यूट्यूब फैमिली, आज का व्लॉग आपके लिए है बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको एक्सप्लोर करूंगी इस्तांबुल का सबिहा एयरपोर्ट और उसके साथ इस्तांबुल सिटी का व्यू। तो फिर मेरे व्लॉग को एंड तक देखिएगा, डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस व्लॉग। लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सो रेडी स्टेडी लेट्स गो। मैं यूट्यूब फैमिली पेगासस के थ्रू मैं इस्तांबुल जा रही हूँ और मैं अभी बिश्केक से टेक ऑफ हुई हूँ। और अगर पेगासस का अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो फ़्लाइट सही है, मतलब चीपेस्ट फ़्लाइट है एज़ कम्पेयर टू अनदर फ्लाइट्स लाइक फ्लाई दुबई एंड एयर अरेबिया, एमिरेट्स, कतर। ये थोड़ी सी चीपेस्ट फ़्लाइट है और एज़ कम्पेयर टू अनदर फ़्लाइट्स। और उसके अलावा इनकी सर्विस अच्छी है और टिकट में आपके मील इंक्लूडेड नहीं होता, एटलीस्ट आपकी बोतल वाटर बोतल भी इंक्लूडेड नहीं होती, वो आपको ड्यूरिंग फ्लाइट परचेस करनी पड़ती है। फ्लाइट मील बुकलेट में प्राइजेस जो है वो यूरो में मेंशन है। और अगर सीट्स की बात की जाए या कंफर्ट की बात की जाए तो मैं उसमें इस फ्लाइट को 10 में से 5 दूंगी। Genelliğinizin bağlı olduğunu tekrar kontrol edin. Koltuklarınızı dik duruma getirin, masalarınızı kapatınız ve güneşliklerinizi açınız. Elektronik cihazları ve cep telefonlarınızı cebinizde veya çantanızda muhafaza ediniz. Tahliye gerektiren durumlarda çıkışlara engel... Açarken ve eşyalarınızı alırken lütfen dikkatli olunuz. माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू इस्तांबुल सबिहा एयरपोर्ट। जो पैसेंजर्स सिटी में जाने वाले हैं वो लेफ्ट साइड जाएंगे और जो पैसेंजर्स ट्रांसिट वाले हैं वो स्ट्रेट जाएंगे। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, एयरपोर्ट इतना कोई बड़ा नहीं है लेकिन छोटा सा है, खूबसूरत है, क्यूट है और यहाँ पर आपको ब्रांड्स भी अच्छी खासी मिल जाती हैं। तो फिर ज्यादा बातें नहीं करते, एक्सप्लोर करते हैं एयरपोर्ट को। आप भी इंजॉय करें इस व्लॉग को, मेरे साथ रहिएगा, व्लॉग को एंड तक देखिएगा। अगर एयरपोर्ट पर प्राइजेस की बात करें तो जो भी शॉप्स आपको ब्रांडेड या किसी भी ड्यूटी फ्री शॉप्स आपको मिलेंगी उनमें प्राइजेस जो है वो यूरो में मेंशन है। और अगर मील की बात करें तो इनकी मील की जो प्राइजेस है वो लीरा में मेंशन है एयरपोर्ट पर। नॉर्मली यू नो वेरी वेल कि एयरपोर्ट जो है वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सिटी बाज़ार से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, तो इस लिहाज से एयरपोर्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव था और प्राइजेस भी यूरो में मेंशन थी। सो ये बात थोड़ी सी लगी मुझे कि अगर आप सिटी में आए हैं और जिनकी कंट्री में आए हैं तो उनकी प्राइजेस भी उसी में मेंशन होनी चाहिए, तो ये गुड रहता। माय यूट्यूब फैमिली, अभी मैं आई हूँ फूड कोर्ट में और एयरपोर्ट के पूरे फूड कोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से ब्रांड्स के फूड्स अवेलेबल हैं इस फूड कोर्ट में। सो लेट्स गो विथ मी। Yeah, anyone else? Okay. Pegasus Airlines, flight number PC 10712 30305 E. Lütfen dikkat, Anadolu Jet hava yolları TK 7708 sefer sayılı Tel Aviv Yafo uçağı 507 ve numaralı çıkış kapısından yolcu alımına hazırdır. Yolcuların çıkış kapısından uçağa gelmeleri rica edilir. Attention please, Anadolu Jet Airlines, flight number TK 77082 Tel Aviv Yafo is ready for departure. Passengers are requested to proceed to gate number 507B. Jet Hava Yolları TK 7708 Tel Aviv Yafo seferi yolcularının 507B Anadolu çıkış kapısından uçağa gelmeleri önemli rica oluyor. Attention please, box call passengers. Anadolu Jet Airlines flight number TK 77082 Tel Aviv Yafo are kindly invited to board at gate number 507B. फूड कोर्ट एक्सप्लोर करते करते और मज़े मज़े के खाने देखकर मुझे लगी है भूख, माय यूट्यूब फैमिली। सो मैंने सोचा है कि कुछ तुर्किश फूड ट्राई करते हैं। सो मैं यहाँ पर बैठी हूँ कुछ खाने के लिए और आपके साथ भी शेयर करती हूँ, मेरे साथ रहिएगा। मैंने यहाँ पर 11 घंटे गुजारने के बाद एक चीज़ ऑब्जर्व की। यहाँ पर जो सारे आपको लोग नज़र आ रहे हैं, इनके कल्चर्स, इनके रिलीजन्स, इनकी कंट्रीज़, इनकी लैंग्वेजेस, इनके फेसेस, कलर्स, हर चीज़ मुख्तलिफ है एक दूसरे से। एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि सब अपनी मंजिल पर जाना चाहते हैं। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर भी ड्यूटी फ्री शॉप है और उस पर सेल लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ये है कि इनकी प्राइजेस भी लीरा में नहीं यूरो में मेंशन है। और दूसरी बात, बाकी ब्रांड से ये थोड़ी सी चीपेस्ट है, एज़ यू नो कि ड्यूटी फ्री होती है, लेकिन ये एक चीज़ है कि इनकी प्राइजेस भी यूरो में मेंशन है, लीरा में नहीं। और यहाँ पर भी मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि यहाँ पर भी सब अपनी फ़्लाइट के स्केड्यूल देखने में मसरूफ़ हैं और सबको अपनी फ़्लाइट की, अपनी मंजिल की टेंशन है। बाकी सब चीज़ें इनमें मुख्तलिफ थीं, लेकिन एक चीज़ जो कामन थी वो यही थी कि सबको अपने मंजिल पर जाना था और सबको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचना था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। यूँ ही सपोर्ट करते रहें अपनी इक्वो मेडिकोस को, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर यहाँ से दीजिए अपनी इक्वो मेडिकोस को इजाज़त। मिलती हूँ मैं किसी अगले व्लॉग में। रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।